शहर में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ मरीजों के हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। पुणे के एक अस्पताल में एक मरीज ने वीडियो वायरल किया जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके खाने में कीड़े नजर आ रहे हैं। इस वीडियो की पड़ताल करने के बाद पता चला कि ये वीडियो पुणे से सटे पिंपरी चिंचोड़ शहर का है। चिंचोड़ परिसर में स्थित राज्य कामगार बीमा योजना रुग्णालय में कोविड-19 के 100 से ज्यादा मरीज इलाज ले रहे हैं। इन मरीजों को अस्पताल में जो खाना दिया जाता है उसमें कीड़े और अल्लियां निकल रही हैं। अस्पताल के मरीज ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एक मरीज ने वीडियो में दिखाया कि काफी सारे लोगों के खाने में कीड़े नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मारुति भापकर ने इन्होंने जिला कलेक्टर और प्रशासन को निवेदन देते हुए कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि खाने का संबंधित कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार को दिया जाता है और ये ठेकेदार की लापरवाही है। शहर में दिन ब दिन कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से प्रशासन जो है उसकी फिर एक बार लापरवाही सामने आ रही है। प्रशासन द्वारा जो भी अहम कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठते दिख रहे हैं। हम एक अस्पताल में हैं जहां पर मरीजों ने एक वीडियो वायरल किया है और इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि उन्हें जो खाना दिया जा रहा है उसमें कीड़े नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मारुति भापकर जी है, उन्होंने इस मामले में जो है प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। उनसे हम जानना चाहेंगे ये मामला क्या है। मारुति जी, क्या ये मामला है और किस तरह से लापरवाही एक बार फिर से प्रशासन के सामने आ रही है? ये जो चिंचोड़ मोहन नगर में ESI हॉस्पिटल है, इसमें कोविड-19 के संक्रमित लगभग 100 से अधिक रुग्णों को यहाँ पे रखा है इलाज के लिए। और ये जो रुग्ण होते हैं कोविड के, उनको अगर अच्छा खाना मिलता है, सकस खाना मिलता है, तो उनकी प्रतिकार शक्ति बढ़ती है और वो जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रुग्ण रखे हैं उनको खाना पिंपरी चिंचोड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आता है। उन्होंने एक ठेकेदार नियुक्त किया है और पिछले 1.5 महीने में 2-3 बार ऐसा हुआ है कि वो खाने में कीड़े आ रहे हैं, आली आ रही है और उसके बारे में कंप्लेंट किया तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो एक तरफ, लेकिन प्रशासन के जो जिलाधिकारी है या फिर कमिश्नर है उनसे अगर बात की जाए तो वो लोग कहते हैं कि ऐसे अस्पतालों पर या फिर ठेकेदारों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन क्या सच में ऐसी कार्रवाई होती नज़र आ रही है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको एक तो ये जो खाना खिलाने वाले जो ठेकेदार है जिनको काम दिया गया है वो लाखों रुपए कॉर्पोरेशन के जो टैक्सपेयर लोग हैं उनके पैसा जो है वो लेते हैं बिल के बारे में, और खाना ऐसा निकृष्ट दर्जे का देते हैं जो रुग्णों के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो होता है उसके बारे में कुछ ना कुछ गोलमाल है। इतना होके सब दिख रहा है, रुग्ण अंदर से वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं कि आली आ रही है, कीड़े आ रहे हैं, चपाती खराब आ रही है, भाजी खराब, सब्जियां खराब आ रही है, ये सब दिख के भी कुछ कार्रवाई यहाँ के कलेक्टर हो, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर हो, यहाँ के PCMC म्युनिसिपल कमिश्नर हो, कुछ कार्रवाई नहीं होती है। हमारी आज मांग है कि ये 2-3 बार घटना घटी है और इसके बारे में हमने कंप्लेंट भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे पिंपरी चिंचोड़ का ये तो ESI हॉस्पिटल, लेकिन बहुत सारे रुग्णालय में हजारों रुग्ण यहाँ पे उपचार ले रहे हैं और उनको ऐसे ही ठेकेदार खाना खिला रहे, सभी जगह ऐसी प्रॉब्लम है। तो ये अगर ठेकेदार के ऊपर अगर क्रिमिनल एक्शन होता है, इन्होंने एक तो कॉर्पोरेशन का टैक्सपेयर लोगों का पैसा लिया है और दूसरा ये ऐसा खाना खिला रहा है वो, तो कॉर्पोरेशन को भी फंसा रहा है, लोगों को भी फंसा रहा है, आम आदमी को भी फंसा रहा है, उनका पैसा जा रहा है वो, तो उसके ऊपर फसवणूक किया, फंसाना, इसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन हो सकता है। म्युनिसिपल कमिश्नर ने, कलेक्टर ने उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लेनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। जिस तरह से मरीजों को जो है वो इस तरह का गंदा खाना खाना पड़ रहा है, एक तरफ तो प्रशासन लाखों रुपए का बिल इन जो मरीजों से है वो वसूल करता है, लेकिन दूसरी तरफ इन मरीजों को जो है वो इस तरह का खाना देना पड़ रहा है, क्या प्रशासन ऐसे ठेकेदारों पर क्या अब कार्रवाई करता है, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कैमरामैन रोहित के साथ मैं मोहन दुबे, पिंपरी चिंचोड़।